स्कीमें जमा की है। अध्यक्ष महोदय, इन स्कीमों पर काम नहीं शुरू हुआ है। जिन स्कीमों पर ओकार बिल्डर काम करना चाहता है, वो सारी जमीनें बीएमसी और सरकार की है, और इन जमीनों को मार्गेज दिखा करके 9,000 करोड़ का लोन लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा वायलेशन है, मेजर वायलेशन है। मुझे डर है कि ये कंपनी बहुत जल्द डिफॉल्ट होने वाली है, और जब कंपनी डिफॉल्ट होगी तो हजारों मासूम झोपड़पट्टी रहने वालों के साथ नाइंसाफी होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ओकार ग्रुप ने जो 9,000 करोड़ लिया है और अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, सरकारी जमीन है, बीएमसी की जमीन है, उसको जो है इन्होंने इसको मार्गेज दिखाकर लोन लिया है, जरा इस पर नजर रखी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से बैंकों का बहुत घोटाला हो जाए मुंबई में, और एक बड़ा घोटाला हो जाए, इस पर सरकार की नजर रहना बहुत जरूरी है।